अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर टाइम ऑफ फाइनेंशियल्स। ऑयल पे मैंने आपको कल बताया था कि ब्रेकआउट जो है वो फर्दर कंटिन्यूशन की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स दी 200 सिंपल एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। और अगर हमारे पास ये वाला जो लास्ट हाया व्हिच इज राइट ओवर है, जिसमें मैंने आपको बताया था यू नीड टू वॉच दिस, अगर इसके ऊपर क्लोज मिल जाता है ऑब्वियसली फर्दर कंटिन्यूटी टू द अपसाइड कैन अकर व्हिच वाज एट 73.11, और उसके ऊपर क्लोज मिल गया एंड फर्दर कंटिन्यूशन इज अकरिंग राइट नाउ। 200 सिंपल मूविंग एवरेज इस टाइम रेजिस्टेंस के तौर पे जरूर होल्ड कर रही है फॉर नाउ, लेकिन आई थिंक जो अगर 0.5 और पॉइंट ये जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज मिल जाता है व्हिच इज करंटली स्टैंडिंग एट 73.97, तो यस फर्दर कंटिन्यूशन टू द 0.618 लेवल व्हिच इज एट 76.68 कैन अकर इन कमिंग वन और टू डेज और मे बी स्टार्टिंग मंडे, क्योंकि वीकली क्लोज भी इज अप्रोचिंग फॉर द ऑयल मार्केट और इसमें अभी 2 दिन 18 घंटे पड़े हैं। और अगर 2 दिन 18 घंटे में हमारे पास वीकली क्लोज अच्छा मिल जाता है व्हिच इज समवेयर अराउंड 76.68, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश फॉर द ऑयल। और मैंने आपको बताया था जैसे पहले भी कि 6.8 के ऊपर आएंगे तो वी आर गोइंग टू गेट वेरी बुलिश ऑन द ऑयल। और इसमें जो अभी करंट टारगेट है इस डबल बॉटमिंग पैटर्न का, यू कैन मेजर इट समवॉट लाइक दिस, ठीक है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हैं और इसके आप इसी पैटर्न को यहाँ से ब्रेकआउट पर रख सकते हैं समवॉट लाइक दिस। सो दिस बिकम्स 0.786 विच इज एट 80.5, सो 80.5 का टारगेट हिट हो सकता है इफ जो डेली है वो क्लोज हो जाए हमें यहाँ पर इस लास्ट अबव के ऊपर, जो कि करंटली ऑलरेडी वी आर अबव इट। और अगर हम इस जो डेली आज की वो क्लोज कर लेते हैं अबव 73.11, तो यस वी कैन फर्दर कंटिन्यू टू द अपसाइड। और अपसाइड में हमारे पास जो टारगेट होगा दैट इज गोइंग टू बी 0.786 व्हिच इज एट 80.5 ऑन द डेली टाइम फ्रेम। 4 आवर उससे पहले आता है, 4 आवर में ऑब्वियसली जो चीज पहले रेप्लिकेट होगी दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, लेकिन यहाँ पे 4 आवर में पहले एक पुल बैक जरूर देखा जा सकता है अप टिल द ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल और द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि स्टोकास्टिक जो है दैट इज प्रीटी हाई एज वेल और वो क्रॉस डाउन भी हो चुका हुआ है यहाँ पे यू कैन सी। और हम दोबारा ऊपर क्रॉस करने के लिए जो है इट नीड्स टू क्लोज अबव 73.76 जो कि अभी हमारे पास नहीं है, ऑल दो इस 4 आवर के क्लोज के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर नाउ यस वी कैन एंटिसिपेट अ पुल बैक, अ लिटिल पुल बैक अप बैक टू 71.8 और 171.7, तो उसमें हमारे पास देखना पड़ेगा कि जो 4 आवर स्टोकास्टिक है वो कहाँ तक नीचे आते हैं, आर दे गोइंग टू कम ऑल द वे बैक टू द 50 लेवल या ये 80 लेवल जो है दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास ज्यादा बुलिशनेस आनी हुई ऑयल के ऊपर तो ये स्टोकास्टिक जो है ये 80 लेवल के अराउंड यहाँ पे से आई थिंक मुड़ेगा, नहीं तो 50 लेवल तक अगर आता है तो ऑब्वियसली फर्दर पुल बैक आ सकता है ऑल द वे मे बी बैक टू द 50 सिंपल मूविंग एवरेज व्हिच इज एट 70.92। सो वॉच आउट फॉर दिस पुल बैक, शॉर्ट पुल बैक, लेकिन जो वीकली क्लोज है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ अ लॉट मोर इंपॉर्टेंस। वीकली में हमारे पास यू कैन सी अ ह्यूज बेरिश सॉरी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल इज फॉर्मिंग राइट नाउ और वो इट इज वेरी क्लोज टू क्लोज अबाउट 21 एक्सपोनेंशियल। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास एक वाइटल चांस है 0.618 के ऊपर भी क्लोज करने का कि बिफोर दिस वीकली क्लोजेस जो बुलिशनेस है वो मार्केट को वापस 0.618 के ऊपर ले जाए। सो डेली टाइम फ्रेम में भी वही लेवल है, 50 सिंपल मूविंग एवरेज एक बिग हर्डल होगी रस्ते में 0.618 के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स एरिया दिस इज गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग रेजिस्टेंस फॉर द ऑयल प्राइस, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल जो है वो 0.5 पर और 0.618 से जरा से नीचे 50 सिंपल मूविंग एवरेज है, बोथ आर प्रीटी ब्रूटल रेजिस्टेंसेस और एंड प्रीटी गुड सपोर्ट्स एज वेल व्हेन वी आर अबव इट और व्हेन वी आर बिलो इट। यहाँ पे हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम जो है दैट इज गोइंग टू इंडिकेट द फर्स्ट पिक्चर और उसमें एक छोटा सा पुल बैक जरूर आ सकता है, उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन दिस एरिया शुड होल्ड फॉर द पुल बैक। ये एरिया क्या है, ये एरिया है 0.382 विच इज एट 71.257, इसके ऊपर जो है पुल बैक फिनिश अप हो जाना चाहिए अगर पुल बैक आता है तो, नहीं तो अगर हमारे पास 4 आवर क्लोज मिल जाता है अबव दिस 200 सिंपल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद द 0.5 लेवल विच इज एट 73.97, तो हमारे पास फर्दर कंटिन्यूशन टू 0.618 विल अकर स्ट्रेट अवे विदाउट गेटिंग अ पुल बैक। So this is it for oil. Thank you so much. Allah Hafiz.